बिहार के रोहतास में पत्थर माफियाओं की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां पुलिस और कानून से बेखौफ पत्थर माफियाओं ने छापेमारी करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 वन कर्मियों को चोटें आई हैं, वहीं एक फॉरेस्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन विभाग की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना के धौड़ार में वन विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ छापामारी के लिए गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया तथा जमकर पथराव की गई, जिसमें वन विभाग की जिप्सी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा पुलिस के जीप पर भी पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 लाइव। कर्जा हटा कर हम लोग लौट रहे थे, उसमें वन विभाग और थाना दोनों थे। थाना के हम लोग जब गांव के तरफ इधर सासाराम तरफ आने लगे तो गांव से दोनों साइड से आदमी घेर लिया और थाना प्रभारी थाना पर भी गाड़ी थाना के गाड़ी पर भी पूरा रोड़ा पत्थर चलने लगा। इन लोग पीछे थे, पकड़ा गए, पकड़ के चूर दिया है। घायल भी हैं क्या कुछ? घायल 5 आदमी हो चुके हैं, जिसमें फॉरेस्टर बहुत बुरी तरह से घायल। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम वाल्मीकि सिंह है।